जब भी आप ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स देखते हैं तो कितने रियल लगते हैं ना, लेकिन इन कैरेक्टर्स को निभाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियाँ यकीन मानिए अपने ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से कितने अलग होते हैं, इस बात का आपको तब पता चलता है जब आप इनके साथ फुर्सत के पल बिताते हैं। तो चलिए आज फुर्सत से एक पूरा दिन बिताते हैं ये रिश्ता की रुक्मिणी यानी सुनीता राव के साथ। I'm Sunita Rao, Rukminiben from Yeh Rishta, Kehlata. मैं सुबह उठ के पहले नहा धो के पूजा करती हूँ, उसके बाद ही किचन में किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ। अब मैं फ्रेश हो गई हूँ। सुबह जाते वक्त मैंने पूजा के बाद खाना बनाया जो मेरा रेगुलर रूटीन है। तो आज देखिए मैंने खाने में क्या क्या बनाया। ये है चाट सैलेड है, चना साबुत पूरा चना था, ये बड़ियों की सब्जी बनाई है। ये है मेरे हस्बैंड डॉक्टर हेमंत। बहुत बिजी होती है ये, खास करके जिस दिन शूटिंग करना होता है वो तो फिर सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के सब करके 8-9 बजे निकल जाना, घर का भी सब देखना, शूटिंग के लिए भी जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी अपने ससुर से आपसे मिलाना चाहूँगी। क्या है, मैं बहुत सारे इनका एपिसोड नहीं देखता हूँ मगर फिर भी कुछ देख लेता हूँ कभी टाइम मिलता है तो। अच्छी काम कर रही है, उनका लेवल ऑफ यू नो एनर्जी इज वेरी हाई। ये है मेरा बेटा हर्षवर्धन, ये अपने पापा और दादा की तरह डॉक्टर बनना चाहता है और उसी के लिए कोशिश कर रहा है।
भूख लगी है ना, खाना खाने चलते हैं। हमारा बेडरूम, मेरे हस्बैंड और बच्चा बोलने लगा अभी हमें सोने की जगह नहीं मिलने वाली, तुम्हारे टेडी से सब भर गया है। ये देखिए मेरी बैंगल्स की कबर्ड, रेडी फॉर माई नेक्स्ट डांस क्लास, कम ऑन। हमारे गुरु सर है, अरे ये इनकी डांस अकेडमी के एक एक रत्न है। एज अ स्टूडेंट तो वो बहुत ही बढ़िया है, खुद तो ट्रेन भरतनाट्यम डांसर है ही, लेकिन वहाँ का कैरेक्टर और यहाँ का कैरेक्टर देख के बहुत समझ में आया कि ये कितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। मेरे शिवाजी पार्क का दादर का फ्रेंड्स का ग्रुप है। मेरी इंस्टीट्यूट जो है सुनीता राव फाइन आर्ट्स, डांस फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट के तहत भी हम लोग अभी सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये मैंने खजुराहो को ध्यान में रख के इसका बनाया था पूरा रिप्लिका, और खुद ये मैंने चीज़ें अपने हाथों से बनाई है। जैसे ये पूरे हॉल का मैंने एक थीम रखा था ग्रेप्स का, तो मैंने एंट्री ही ग्रेप वाइन सी रखी है, कोई भी फाइबर का नहीं है, ये पूरा सॉलिड, जब तक मैं हूँ बुढ़ापे तक यही रहेगा, नई नई चीज़ें बनाती रहूँगी। मुझे एक टावर जैसा ये बनाना था, ये पूरा बैम्बू का है, गोल्डन लीव्स एंड ये लाइटिंग, कृष्णा जी की पूरी रास लीला, मैंने ब्रास को बटरफ्लाइज को कट करके और ये पाइप्स जो है उसमें लाइटिंग डाल के बनाया है। ये है अष्टविनायक जी की पूरी टीम बैठी है यहाँ पे। ये मैंने घड़ी बनाई थी, ये बर्ड्स का हमारा घोंसला, ये मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कोकोनट के साथ झूमर बनाया हुआ है मैंने, ये 50 लाइट्स के साथ गोल्डन झूमर बनाया, तो ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क। ये मैंने टोटल गौतम बुद्धा और उसकी वो जो जिस तरह का उनका जो लैम्प शेड होता है उसको ध्यान में रख के मैंने ये सेंटर पीस बनाया, और जो मैंने सूरज की तरह सूरज में उगने वाला सुबह का अर्ली मॉर्निंग रेज में ये जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं उस तरह का रिप्लिका मुझे दिमाग में है, मुझे बनाना है।
ये फ्रूट का झूमर देख रहे हैं, ये मैंने खुद एक एक फ्रूट स्टिच करके लकड़ी पे लगा के ये फ्रूट का झूमर बनाया। ये है मेरी एंट्री और ये सरस्वती जी की मूर्ति, ये हमारे साउथ से स्पेशली एग्जीबिशन से लेके आए थे। ये है मेरे गार्डन का एंट्रेंस, गार्डन की भी अपनी थीम है। ये देखिए अजंता एलोरा की ये पूरी मूर्तियाँ। यहाँ पे कम से कम 400 झाड़ है, ये झाड़ लगाने का काम भी मैं ही करती हूँ। ये इस झाड़ को कम से कम 15-20 साल, कुछ 25 साल पहले के भी झाड़ है। फ्रूट्स और वगैरह या बोनसाई नहीं, सचमुच खाने वाले फ्रूट्स है। ये देखिए सीताफल है, ये हल्दी के झाड़ है, ये अदरक के झाड़ है। ऐसा दिन बीतता है मेरा रोज का। तो आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।